हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है। देखिए, मार्केट जब भी गिरता है तो 80% ऑफ द टाइम मार्केट एक बड़े डाउनफॉल के बाद और वापस ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाता है। और 20% ऑफ द टाइम ही ऐसा होता है जब मार्केट एक वी शेप रिकवरी देता है। वी शेप रिकवरी क्या होती है कि मार्केट तेजी से नीचे गिरा और उसी तेजी से मार्केट वापस रिकवर हो गया। तो एक बड़े डाउनफॉल के बाद इस तरह की रिकवरी जो आती है उसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। लेकिन ऐसा सिर्फ 20% ऑफ द टाइम ही होता है। 80% ऑफ द टाइम मार्केट जब गिरता है तेजी से तो उसके बाद कंसोलिडेट करता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो अभी जो मार्केट में बड़ा डाउनफॉल आया था उसके बाद जो मेंबर्स ओनली ग्रुप है उसमें मैंने बोला भी था कि मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो कंसोलिडेशन है ये मार्केट के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है। मार्केट जितना लंबा कंसोलिडेट करता है ब्रेकआउट के बाद मार्केट उतनी ही स्ट्रेंथ से ऊपर भी जाता है। तो कंसोलिडेशन है ये मार्केट के लिए अच्छा है। और जब भी कोई डाउनफॉल आता है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करेगा उस कंसोलिडेशन में पैसा बनाने की रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज के साथ, क्योंकि मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो न्यूट्रल जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको यूज करके और हम यहां पे इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, जो कंसोलिडेशन होता है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इसी को समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ मेरा एक लाइव ट्रेड शेयर करूंगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो प्ले आउट हुआ, कितना लंबा मैं उस ट्रेड में रुका, कितना मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ और कैसे मैंने उसमें एडजस्टमेंट किए और कितने एडजस्टमेंट किए। तो सब कुछ मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये ट्रेड मैंने मेंबर्स ओनली ग्रुप है उसमें शेयर किया था कि मैंने ये ट्रेड लिया है, तो इसलिए जरूरी है कि मैं इस ट्रेड का फॉलो थ्रू भी दिखाऊं कि मैंने इसमें क्या किया और कैसे मैं इससे एग्जिट हुआ हूं। आज मैं इस ट्रेड से एग्जिट हुआ हूं तो मुझे लगा कि इस पर मैं एक वीडियो बना के और दिखाऊं, क्योंकि ये ट्रेड मैंने मेंबर्स ओनली ग्रुप में दिया था तो इसमें मैंने क्या क्या किया है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरा इंटेंट बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं। देखिए, मार्केट जब गिरता है उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है और ये कंसोलिडेशन कितना भी लंबा हो सकता है। कंसोलिडेशन होता है इसमें मार्केट एक रेंज में रहता है, मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, और वही कुछ हमें मार्केट में देखने को भी मिल रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट 17,300 तक ऊपर गया, उसके बाद वहां से मार्केट वापस उसी लेवल की तरफ आ रहा है 17,000 की तरफ। तो मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि कंसोलिडेशन थोड़ी वोलेटिलिटी के साथ है, मार्केट की रेंज यही थोड़ी वाइड है, लेकिन मार्केट इस वोलेटिलिटी के साथ एक कंसोलिडेशन मोड में है और ये मार्केट के लिए हेल्दी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट जितना लंबा कंसोलिडेट करता है उतना ही मार्केट के लिए हेल्दी होता है, उतनी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ऊपर जाता है। तो इस कंसोलिडेशन को एंटिसिपेट करके और मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने एक ट्रायंगल को ट्रेड किया था और उस ट्रायंगल में मैं किस तरह के प्रॉफिट के साथ बाहर निकला और कैसे मैंने उसमें एडजस्टमेंट किए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको मैं ट्रेड दिखाता हूं। तो चलिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये मेरा ट्रेड था। मैंने एक ट्रायंगल को ट्रेड किया था अक्टूबर मंथ में और उसमें से मैं आज एग्जिट हुआ हूं और मैं कितने प्रॉफिट के साथ एग्जिट हुआ हूं, 37,000 रुपीज के प्रॉफिट को आज मैंने बुक किया है। मैंने एक ट्रायंगल को ट्रेड किया था 15 डेल्टा का और इसमें मैंने किस तरह का एडजस्टमेंट किया और उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो मैं आपको समझाता हूं। ये स्ट्रेटजी मैंने जो मेंबर्स ओनली ग्रुप है उसमें भी शेयर की थी कि मैंने आज इस ट्रेड को इनिशिएट किया है, मैंने एक 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल इनिशिएट किया है, ये मैंने उस ग्रुप में डाला था। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि इसका फॉलो थ्रू मैं दे पाऊं कि ये ट्रेड किस तरह से प्ले आउट हुआ और इसमें किस तरह का मैंने एडजस्टमेंट किया और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, ट्रेड मैंने कब इनिशिएट किया था, ट्रेड इनिशिएटेड ऑन 23rd सितंबर। मैंने 23rd सितंबर को ट्रेड इनिशिएट किया था अक्टूबर सीरीज का। और जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया उस टाइम पे निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा था, 17,335 के लेवल पे जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट किया था। और ये ट्रेड मैंने क्या लिया था, 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल, मैंने 15 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल किया था, मैंने 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल किया था। तो ये स्ट्राइक्स कौन सी थी मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए, मैंने 16,400 का पुट ऑप्शन सेल किया था और 18,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया था 23rd सितंबर को, जिस दिन मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया उस दिन 15 डेल्टा कहां पे ट्रेड कर रहा था, नीचे की तरफ 16,400 का जो स्ट्राइक था इसका डेल्टा 15 था तो मैंने इसको सेल कर दिया, और ऊपर की तरफ 18,500 का जो कॉल ऑप्शन था इसका डेल्टा 15 था तो इसको मैंने सेल कर दिया। और इनका प्रीमियम क्या था, 89 रुपीज मुझे पुट ऑप्शन से रिसीव हुए और 73 रुपीज मुझे कॉल ऑप्शन से रिसीव हुए, तो मैंने टोटल 89+73 रुपीज रिसीव कर लिए इस ट्रायंगल को सेल। तो जब मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया उस दिन मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 89+73, और ये कितना हो जाता है, 8,100 रुपीज। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 8,100 रुपीज का था, मुझे 8,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था। तो ये ट्रेड मैंने लिया। उसके बाद क्या होता है, आपको पता है मार्केट तेजी से नीचे गिरा था, जिस दिन मैंने ट्रेड लिया था उस दिन मार्केट ट्रेड कर रहा था 17,300 पे, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे तेजी से गिर रहा था। तो देखिए मैंने क्या एडजस्टमेंट किया,
जो फर्स्ट एडजस्टमेंट था मेरा वो 28 सितंबर को हुआ, मैंने 23 सितंबर को ट्रेड इनिशिएट किया था, लेकिन 28 सितंबर को और मार्केट कहां पे आ गया 16870 पे। मैंने ट्रेड जब लिया था उस दिन मार्केट कहां पे था 17335, यहां पे आप देखिए निफ्टी एट 17335 जिस दिन मैंने ट्रेड लिया उस दिन, लेकिन 28 सितंबर को विद इन 5 डेज और मार्केट नीचे गिर गया और कहां पे पहुंच गया 16870 पे। तो 16870 पे जब मार्केट पहुंचा तो पुट ऑप्शन था उसमें मुझे लॉस हो रहा था, लेकिन जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था 18500 का कॉल ऑप्शन इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा था। तो मैंने यहां पे एडजस्टमेंट किया, देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट मेरा क्या था, 28 सितंबर को जब निफ्टी 16870 पे पहुंचा तो मैंने 18500 का कॉल था उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया 17900 के कॉल पे, मैंने 18500 के कॉल को 600 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दिया और इसमें प्रॉफिट बुक करके और 17900 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखिए 18500 का कॉल ऑप्शन था, ये 28 सितंबर को कितने पे ट्रेड कर रहा था 25 पे, तो मैंने 73 रुपीज में इसको सेल किया था और 25 रुपीज पे मैं इसमें से एग्जिट हो गया, तो यहाँ पे मैंने 17000 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अगेन 17900 का कॉल ऑप्शन सेल किया और मैंने यहाँ पे कितना प्रीमियम रिसीव कर लिया, अगेन मैंने ऑलमोस्ट 73 रुपीज का प्रीमियम रिसीव कर लिया। तो मैंने 73 रुपीज रिसीव किए थे 18500 का कॉल ऑप्शन सेल करके, लेकिन क्योंकि मार्केट तेजी से नीचे गिरा तो यहाँ पे जब इसका प्रीमियम 25 रुपीस था तब मैंने इसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया और मैंने अगेन 73 रुपीस रिसीव कर लिए 17900 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो देखिए 17900 का कॉल ऑप्शन जब मैंने सेल किया है वो कब किया है, जब मार्केट 16870 पे है, मतलब मैं मार्केट से सफिशिएंट दूरी पे हूं, मैं मार्केट के बहुत क्लोज नहीं आ रहा हूं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको मार्केट के बहुत पास में नहीं आना है, इन केस मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जाता है तो आपको ट्रैप नहीं होना है, तो आपको मार्केट से एक सफिशिएंट दूरी रखनी है। तो मेरा लॉजिक यहां पे क्या था, जितना प्रीमियम मैंने शुरू में रिसीव किया था 73 रुपीस का वही मैंने दोबारा से रिसीव कर लिया 17900 का कॉल ऑप्शन सेल करके और मैं मार्केट से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट दूर भी हूं। तो ये मैंने पहला एडजस्टमेंट किया, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट था वो यही था कि शिफ्टेड 18500 कॉल टू 17900 और ये मैंने 28 सितंबर को किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद आपको पता है मार्केट एक रेंज में रहा है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया 16800 का लेवल जहां पे मैंने एडजस्टमेंट किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे गया था लेकिन उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आया 17400 के आसपास आया और 17400 से मार्केट नीचे गिरता हुआ और आज मार्केट ऑलमोस्ट 17000 को टच कर गया। तो मार्केट एक रेंज में रहा है और इस डाउनफॉल के बाद मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करेगा ये एक्सपेक्टेड भी था, हालांकि मैं मार्केट पे बुलिश था जब मार्केट 16800 पे था, वहां पे मैंने कॉल भी दी थी कि आप यहां पे एंटर कर सकते हो, मार्केट को लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन मार्केट हमेशा वी शेप रिकवरी दे ऐसा जरूरी नहीं है, मार्केट एक डाउनफॉल के बाद कंसोलिडेट करता है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसी को एंटीसिपेट करके और मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया था, क्योंकि हम मार्केट का बॉटम और टॉप नहीं पकड़ सकते। तो मार्केट जब 17300 पे था तो मार्केट एक तो सपोर्ट जोन पे था और दूसरा मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंटर कर रहा था, इस वजह से मैंने वहां पे एंटीसिपेट किया कि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है और यहां पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, तो उस कंसोलिडेशन को एंटिसिपेट करके और मैंने एक स्ट्रैंगल को ट्रेड किया, लेकिन वो स्ट्रैंगल नेक्स्ट मंथ का था, अक्टूबर मंथ का था। देखिए मैंने ट्रेड 23 सितंबर को इनिशिएट किया लेकिन अक्टूबर मंथ का किया और दूसरा मैंने 15 डेल्टा किया है, तो इस वजह से मैं मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे था, मार्केट अगर नीचे और भी गिरता तो मैं उसको भी अकोमोडेट कर सकता था। और दूसरा क्या होता है, जब हम 15 डेल्टा का स्ट्रैंगल ट्रेड करते हैं तो हम मार्केट को सफिशिएंट डिस्टेंस देते हैं, तो यहां पे हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आज 11 सितंबर है जब मैं इस ट्रेड से एग्जिट हुआ हूं, इसके बीच में मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया है 28 सितंबर को और वो क्या था, जब मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा था उस टाइम पे मैंने 18500 का कॉल ऑप्शन था उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया 17900 के कॉल ऑप्शन पे। और आज जब मार्केट 17085 पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर गया, क्योंकि मैंने 7 लॉट सेल कर रखे थे तो यहां पे मेरा प्रॉफिट था वो 37000 रुपीज का था। और 7 लॉट को सेल करने के लिए मार्जिन मैंने कितना डिप्लॉय किया था, यहाँ पे आप देखिए मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो 6,34,000 रुपीज की थी, मैंने 6,34,000 6,34,000 रुपीज मैंने इसमें डिप्लॉय कर रखे थे और 6,34,000 रुपीज पे मुझे 37,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 6% हो जाता है। और आप देखिए मेरी ट्रेड की ड्यूरेशन क्या थी, मैं 23 सितंबर को ट्रेड में एंटर किया और 11 सितंबर को मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट मैं हाफ मंथ ट्रेड में रहा हूं, हाफ मंथ में मुझे मेरे कैपिटल पे कितना रिटर्न मिला है 6% का, अगर इसको मंथ में देखें तो 12% हो जाता है। तो मेरा एम रहता है 3-4% पर मंथ, लेकिन यहां पे मुझे विद इन 15 डेज और 6% का रिटर्न मिल गया है। तो इस तरह से आप इन मौकों का फायदा उठा सकते हो। कई बार क्या होगा, कई मंथ ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको लॉस भी होगा, कई मंथ ऐसे भी आएंगे जब आपको 1% या 2% ही रिटर्न मिलेगा,
मिलेगा। तो अपनी एवरेज को मेंटेन करने के लिए आपको कई बार इस तरह के ट्रेड भी लेने हैं जहां पे आप ज्यादा प्रॉफिट के लिए बैठे। जैसे मैं यहां पे 6% तक बैठा, जब मुझे 6% का प्रॉफिट हुआ तब मैं एग्जिट हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया, मैं यहां पे एग्जिट क्यों हुआ हूं, तो मेरा क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी मैं स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूं तो जब भी मुझे मैक्स प्रॉफिट का 50% होगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो एक तो मुझे 6% रिटर्न मिल रहा था मेरे इन्वेस्टमेंट पे विद इन 15 डेज, तो यहां पे मुझे डिसेंट प्रॉफिट हो रहा था। दूसरा, जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था उसका 50% भी मुझे हो चुका था। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 75,000 रुपीज का था और मुझे यहां पे 37,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था। तो इस वजह से आज मैं यहां पे एग्जिट करके निकल गया। और दूसरा, मार्केट 17,000 के बहुत नियर ट्रेड कर रहा है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहां पे मुझे एग्जिट करना बेटर लगा क्योंकि अनवांटेड मैं और रिस्क को नहीं लेना चाहता। मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट आ सकती है, तो मैं अननेसेसरीली इस पोजीशन में फंसना नहीं चाहता हूं जब मुझे यहां पे डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं प्रॉफिट को टेबल पे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आज मैं ऑलमोस्ट 6% रिटर्न के साथ निकल गया। तो ये था मेरा वो ट्रेड जो मैंने मेंबर्स ओनली ग्रुप में भी डाला था कि मैंने ट्रेड लिया है, और इसीलिए उसका फॉलो थ्रू मैंने दिखाया कि आज मैं एग्जिट हुआ उससे पहले मैंने इसमें एक एडजस्टमेंट किया और एग्जिट में किस बेसिस पे हुआ, मेरा क्राइटेरिया क्या था। तो स्ट्रैंगल जो है ये रेंज बाउंड मार्केट के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और अगर आप मंथली सीरीज में इनको ट्रेड करते हो तो ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। तो देखिए, स्ट्रैंगल है ये एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 75% ऑफ द टाइम प्रॉफिट होगा, सिर्फ 25% ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ पे लॉसेज होंगे। लेकिन 25% ऑफ द टाइम जो आपको लॉसेज होते हैं वो बड़े हो सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे मैनेज करना आना चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे जो लॉस हो रहा है वो बहुत बड़ा ना हो। अगर आपने वो सीख लिया तो स्ट्रैंगल है ये एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। मैं पर्सनली स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूं। तो देखिए, इस कमिंग संडे को, दैट इज 16th of October को, मैं एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूं जो होने वाले है स्ट्रैंगल के ऊपर। और पहले जो वर्कशॉप मैंने कंडक्ट की थी आयरन फ्लाई आयरन कोंडोरिया ऑप्शन बाइंग पे, ये उससे डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप वीकली स्ट्रैंगल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, वीकली स्ट्रैंगल्स को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, और मंथलीज को आप किस तरह से ट्रेड और मैनेज कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको वीकलीज भी बताऊंगा, यहां पे मैं आपको मंथलीज भी बताऊंगा। हालांकि मैं आपको बोलता हूं कि आपको हमेशा मंथलीज में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन वीकलीज में भी आप ट्रेड कर सकते हो। और वीकलीज में स्ट्रैंगल को ट्रेड करने का आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आप एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कंप्लीट वर्कशॉप होने वाली है जिसमें मैं आपको वीकली और मंथली दोनों बताऊंगा कि स्ट्रैंगल्स को आप वीकली और मंथली में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 25% ऑफ द टाइम आपको यहां पे लॉस होता है, अगर आपने ये सीख लिया कि उस लॉस को मैं किस तरह से मिटिगेट करूं, उसको मैं किस तरह से मैनेज करूं, तो स्ट्रैंगल एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। तो इस वर्कशॉप में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है स्ट्रैंगल के ऊपर, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा रेंज में है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस तरह के मार्केट में स्ट्रैंगल है वो बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है। और मैंने खुद एक स्ट्रैंगल को डिप्लॉय कर रखा था जिसमें से मैं आज एग्जिट हुआ हूं, तो मुझे लगा कि अगली वर्कशॉप में इस पर लेकर आऊं कि मैं बताऊं कि एक स्ट्रैंगल को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो कमिंग संडे को, दैट इज 16th of October को वर्कशॉप होने वाली है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।